नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। नोटबंदी के बाद बड़ी गरीबों की परेशानी, कहा प्रणव मुखर्जी ने। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि नोटबंदी के बाद आर्थिक मंदी के कारण गरीबों को होने वाली अपरिहार्य परेशानियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए। मुखर्जी ने यहां राष्ट्रपति भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपालों और उपराज्यपालों को संबोधित करते हुए कहा कि काले धन को समाप्त करने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए लागू नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में अस्थायी मंदी आ सकती है। उन्होंने कहा कि हमें लंबे समय की अपेक्षित प्रगति के लिए गरीबों के लिए अपरिहार्य हो गई परेशानियों को समाप्त करने के लिहाज से अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि गरीबी उन्मूलन के लिए अधिकार की सोच, उद्यमशीलता की ओर बढ़ने पर जोर देने का वह स्वागत करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या गरीब लोग इतना इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है ताकि वे भूख, बेरोजगारी और उत्पीड़न से मुक्त भविष्य की ओर राष्ट्रीय अभियान में सक्रियता से भाग ले सकते हैं। मुखर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित पैकेज कुछ राहत देगा। उन्होंने कहा कि इस साल 7 राज्यों में चुनाव होंगे और 5 में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों ने हमारे देश को दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्रों में शामिल किया है। चुनाव राजनीतिक माहौल के प्रति जनता के रवैये, मूल्य और विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। चुनाव में बयानबाजी और वोट बैंक की राजनीति के प्रति चेताते हुए मुखर्जी ने कहा कि हो हंगामे वाली बहस समाज में विभाजन रेखा को और अधिक गहरा कर सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बना रखना चाहिए। कई बार निहित स्वार्थों के लिए सद्भाव को खतरे में डाला जा सकता है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। इस तरह किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए कानून का शासन ही एकमात्र आधार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल और उपराज्यपाल अपने राज्य की जनता का सम्मान और आदर पाते हैं और वे समाज में तनाव कम करने की भूमिका निभा सकते हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिल्म अभिनेता ओम पुरी का निधन। नए नोटों पर अंबेडकर की तस्वीर चाहते हैं अठावले। ओसामा का बेटा हमजा वैश्विक आतंकवादी घोषित। बंगाल में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान ने 219 और भारतीय मछुआरों को रिहा किया।